विज्ञप्ति जारी जल्दी करो। विज्ञप्ति नहीं तो डूब मरो। हम सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग के इसी जगह से महात्मा गांधी की तरह हम लोग बिहार में दांडी यात्रा निकालने का काम करेंगे। हम लोग अपनी आवाज को सड़क पर ही रख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे तब तक रहेंगे जब तक हमारी विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती। सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप हालिया में दिए तेजस्वी यादव का वो इंटरव्यू देखे होंगे। बिहार की मौजूदा सरकार हर रोज नौकरियां बांटने का नाटक कर रही है, आए दिन नियुक्ति पत्र बांटने का कर्मकांड भी हो रहा है, लेकिन बिहार के लाखों CTET और BTET परीक्षा पास अभ्यर्थी पिछले 3.5 साल से सातवें चरण की शिक्षक बहाली के इंतजार कर थक चुके हैं और अब आंदोलन की राह पर हैं। सरकार बन जाती है, वो सत्ता में चले जाते हैं, सत्ता का सुख भोग लेते हैं, लेकिन हम अभ्यर्थी जो कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए सीटेट के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और बिहार में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं, हम अभ्यर्थी सरकार से लड़ते लड़ते पिछले 3.5 साल से इसी सड़क पर हैं और यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ से राहगीर जो गुजरते हैं, जो इस गर्दनी बाग के आसपास में इलाके में ठेला रिक्शा लगाने वाले लोग हैं, वो हमारी समस्याओं को देखते हैं, वो कहते हैं कि अब आप लोगों को सरकार को आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप हालिया में दिए तेजस्वी यादव का वो इंटरव्यू देखे होंगे जब उनसे पूछा गया था कि आपको मालूम है कि गर्दनी बाग में शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि एक आदमी जो उप मुख्यमंत्री है वो सोशल मीडिया तो चलाता ही होगा, अखबार तो पढ़ने के लिए आता ही होगा, और बिहार में हर एक न्यूज चैनल पर समाचार पत्रों पर हम शिक्षकों का ये मैटर ज्वलंत मुद्दा है, और अगर एक मुख्यमंत्री को इतने संवेदनशील मुद्दे को नजर नहीं आ रहा है, उप मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा है और वो कहते हैं हमें नहीं मालूम है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि जो लोग कहते हैं वो नॉमी फेल हैं, वो साबित हो जाता है कि नॉमी फेल है, क्योंकि नॉमी फेल आदमी को ही ना अखबार पढ़ने आ सकता है ना डिजिटल मीडिया समझ में आ सकता है। हाँ, आज उप मुख्यमंत्री बन गए हैं क्योंकि बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, हम लोग का उतना कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए हम लोग सड़क पर हैं और उप मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर आकर भी वह ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, इसके लिए उनको शर्म आना चाहिए। पिछले 4 नवंबर से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सरकार सातवें चरण की प्राथमिक शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति जारी करे और यथाशीघ्र शिक्षक बहाली हेतु नियमावली प्रकाशित करे। छात्रों ने मांग की है कि सातवीं चरण के प्राथमिक शिक्षक बहाली ऑनलाइन डोमेसाइल तथा सेंट्रलाइज तरीके से हो और महिलाओं के कोटे को खाली ना छोड़कर महिला कैंडिडेट अनुपलब्ध रहने पर उसी कोटे के पुरुषों को बहाल करें। छात्रों ने ऐलान किया है अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोग की मांग है सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति, जो कि 3.5 साल से गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हम शीघ्र अति शीघ्र बहुत जल्द जितनी जल्द हो सकती है हम इसको निकालने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 3.5 साल बीत चुके हैं और अभी तक पटल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम लोग धरना देने को विवश हैं, क्योंकि अगर सरकार हमारी बातों पे अगर एक्शन नहीं लेती है तो हम लोग मजबूर हैं, क्योंकि हम बिना धरना के उनके तक अपनी आवाज़ को नहीं पहुँचा सकते हैं। हम अपनी आवाज को उनके तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हम लोग जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। हमारा आगे का एजेंडा बिल्कुल ही क्लियर है। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार, जो नीतीश और तेजस्वी जी की सरकार है,
वो जिस प्रकार से सेकंड हैंड गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र इसलिए बांटती है ताकि बिहार के लोगों के ये बीच मैसेज जाए कि सरकार रोजगार देने के लिए आतुल है, रोजगार दे रही है। ये बिल्कुल असत्य है, ऐसा हम अभ्यर्थी एज ए स्टूडेंट होकर कह रहे हैं और बिहार के सारे लोग जान भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से वो अपने प्रचार प्रसार वोट बैंक के लिए ये सारा कुछ ड्रामेटिक सीन क्रिएट कर रही है, उसी तरीके से अब हम लोग बिहार के लोगों को सच बताएंगे तब जब सरकार 10 तारीख तक हमारे नोटिफिकेशन के कुछ भी नहीं करेगी। तो हम सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनीबाग के इसी जगह से महात्मा गांधी की तरह हम लोग बिहार में दांडी यात्रा निकालने का काम करेंगे, जिसमें हमारा संगठन बिहार के 3800 जिले में है और हम लोग पटना से शुरू करके हर एक जिले में घूमने का काम करेंगे और लोगों के बीच यह मैसेज देंगे, लोगों को यह बताएंगे कि बिहार में जो मौजूदा सरकार है जिन्होंने आपसे आपके बेटे के लिए सरकारी नौकरी व्यवस्था करेगी इस वादे को करके वो सत्ता में आई है, दरअसल वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। हमको भी देखिए, हम सीटेड बीटेड अभ्यर्थी है, हमें भी बेवकूफ बनाया गया, आप लोगों को भी ठगा जा रहा है। और ये मैसेज हम लोग महात्मा गांधी जैसी दांडी यात्रा में पैदल घूम घूम कर नमक सत्याग्रह किए थे, वैसे ही हम लोग जो है पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को ये बताने का काम करेंगे और सरकार का पोल खोल करने का काम करेंगे। हम लाल खेलेंगे, हम लाल खेलेंगे, महिलाएं मांगे, पुरुष भी बोल ले, हर बच्चा मांगे, बिहार भी मांगे, शिक्षक कहता जिंदाबाद, शिक्षक कहता जिंदाबाद, लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, विज्ञप्ति जारी जल्दी जल्दी करो, विज्ञप्ति नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, अपनी विज्ञप्ति जारी करो, जारी करो, जारी करो। नीतीश कुमार हाय हाय हाय, शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो। विमर्श न्यूज़ पटना।